विकास अघाड़ी सबने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन हो गया है, लेकिन मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर नवाब मलिक के नामांकन को लेकर महायुति में घमासान मचा है। दरअसल इस सीट पर महायुति की तरफ से शिंदे गुट के सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन आखिरी वक्त में एनसीपी के अजीत गुट ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसे लेकर बीजेपी और शिंदे गुट में नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले ही नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद यह सीट शिंदे गुट के खाते में गई थी। बावजूद इस सीट पर अजीत गुट ने नवाब मलिक को प्रत्याशी बनाया। इस पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने नाराजगी जताई। शेलार ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया ने नवाब मलिक से बातचीत भी की। एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक जी को मानखुर्द शिवाजीनगर से अजीत पवार गुट से टिकट मिला है। अब इसको लेकर महायुति में ही काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी हाल में नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे। सर, कल का सस्पेंस तो बुरी तरह से खत्म हो गया, आपने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, फिर ये भी फॉर्म आपको अजीत पवार गुट से मिल गया, लेकिन आप ही की सहयोगी पार्टी बीजेपी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि आप एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनका अपना मामला है, मैं अजीत पवार जी के साथ में हूँ, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं अजीत पवार जी का आभारी हूँ। अब शिवसेना अपना उम्मीदवार वहाँ पे पर्चा भरवाया है, बेटी के सीट पे भरवाया है, बीजेपी बोल रही है कि हम शिवसेना का प्रचार करेंगे। बीजेपी के विधानसभा के अध्यक्ष ने मेरे बेटी के सामने रिबेलियन कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। सवाल ये है कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, ये सवाल नहीं है। जनता किसके समर्थन में, सवाल इसका है। जनता का समर्थन भरपूर हमारे साथ है, कौन विरोध करेगा, कौन हमारे सामने लड़ेगा, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। हम चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत से जनता का समर्थन हमारे साथ है और दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन नवाब जी, सबसे बड़ा सवाल खड़ा कि विपक्ष आदित्य ठाकरे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रही है कि दाऊद इब्राहिम के साथ आपके कनेक्शन है, हम दाऊद के साथ जो रहेगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम प्रचार भी नहीं करेंगे, तो जनता जानना चाहती है क्या आपके रिलेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है और आपकी सहयोगी पार्टी भी कह रही है। ऐसा लगता है 65 साल इस शहर में मुझे बीत गए, कोई आरोप लगा दे, कोई बयान दे दे तो उससे किसी के संबंध हो जाते हैं। जिस तरह से मामला बना है, मामला न्याय प्रवेश है, जिस दिन नतीजा आएगा, फैसला आएगा, लोग मुंह के बल गिर जाएंगे जिन लोगों ने आरोप लगाया और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें कही है। आज भी हम लोग पूरी तरह से राजनीतिक जीवन में कभी भी कलंकित होकर हमने राजनीति नहीं की, कोई भी गलत काम हमने अपने जीवन में नहीं किया। ठीक है, राजनीति में लोग आरोप लगाते रहते हैं, हमें लगता है सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बेबुनियाद आरोपों पे हम कोई किसी के बयान से डरते नहीं, लोगों का बयान देना है देते रहें। और निश्चित रूप से अजीत पवार जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मेरे साथ पूरी ताकत से संकट के समय में भी खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, टिकट भी दिया है, मैं उनका आभारी हूँ, मैं चुनाव जीतूंगा चाहे जो मेरा विरोध कर ले। नवाब भाई, ये सबसे सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आपको टिकट देने की बात हो रही थी तो क्या ये महायुति में अजीत दादा पवार ने डिस्कस किया था कि आपको टिकट मिलेगी, या फिर बिना डिस्कस किए हुए सीधे तौर पे आपको टिकट दे दी? क्या दादा ने बीजेपी या फिर अपने सहयोगी पार्टी या शिंदे ग्रुप उनसे डिस्कस किया था कि आपको टिकट देना है या नहीं देना है? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा पिछले 4 महीने से श्योर था कि नवाब मलिक शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और बेटी लड़ेगी अनुशक्ति नगर से। तो कोई कहे कि हमको पता नहीं था, जब सीट एडजस्टमेंट हुआ तो उन लोगों ने तो सीट छोड़ दी, क्योंकि 90,000 का डेफिसिट वहाँ है, इसलिए छोड़ी गई कि भाई ये सीट तो सबसे वर्स्ट सीट महाराष्ट्र में आ ही नहीं सकती। अब मेरे चुनाव लड़ने से उन्हें क्या परेशानी मुझे पता नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद तो हमारे हैं निश्चित रूप से। बीजेपी की जो अपनी आइडियोलॉजी है उनकी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम धर्मनिरपेक्षता छोड़ नहीं सकते, हम समाजवादी विचारधारा छोड़। और महायुति में एक सीट को लेकर हुए इस घमासान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला बोला। दूसरी तरफ अजीत गुट ने कहा कि गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे, फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ,
फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ? ये इतना छिंद जवाब दे, क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई। अगर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हमारे प्रत्याशी के उम्मीदवारी से सहमत हैं और वो यदि वहां पर चुनाव लड़ते हैं और उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी प्रचार में नहीं भी आती है तो भी हमें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी वहां से बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और इस पे हमारे गठबंधन में इस उनके इस निर्णय का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। महायुति का गठबंधन यथावत रहेगा और हम पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनाएंगे। और वही उद्धव गोट ने कहा कि जिसका अब तक बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे अब उसका ही प्रचार करेंगे। तो बीजेपी ने शिंदे गुट के सुरेश पाटिल को आधिकारिक उम्मीदवार बताया है। एक तरफ वो देशद्रोही है, उसको आप टिकट दे रहे हैं, और हम अगर कुछ बात करते हैं तो आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप राजनीति में, सामाजिक जीवन में चुनाव तो हार ही रहे हैं, अपने चरित्र को क्यों खराब कर रहे हैं बीजेपी वाले? आपको शर्म नहीं आती आप नवाब मलिक जैसे एक देशद्रोही को टिकट दे रहे हैं? अजीत पवार और नवाब मलिक का इस विषय पे समर्थन नहीं कर सकते। महायुति शिवसेना ने बुलेट पाटिल को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। एक और हम अबू आदमी जो वोट जियाद के समर्थक है उनको हराएंगे और दूसरी ओर आतंकवाद के एक पार्ट एंड पार्शल नवाब मलिक को पराभूत करेंगे।